一丁教えてやろうぜサスケ。गाइस हर साल 200 से भी ज्यादा एनिमे अडैप्ट किए जाते हैं और उनमें से कुछ ऐसे एनिमे मूवमेंट्स होते हैं जो पूरे इंटरनेट को हिला के रख देते हैं। हाय गाइस, माय सिस नीवा एंड यू वाचिंग उताकुकॉम और आज हम बात करने वाले हैं 10 एनिमे मूवमेंट्स दैट ब्रोक द इंटरनेट। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये रेगुलर टॉप 10 लिस्ट नहीं है, बट मैंने इन 10 एनिमे मूवमेंट्स को इनके कल्चरल इम्पैक्ट और रेटिंग से रैंक किया हुआ है। और गाइस अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, देकू वर्सेस ओवरहॉल माय हीरो अकेडमिया। गाइस माय हीरो अकेडमिया में बहुत सारी अमेजिंग फाइट्स है, बट इस फाइट ने पूरी ट्विटर को हिला के रख दिया। मिदोरिया फर्स्ट टाइम अपने पावर स्टॉकिंग क्वर्क को 100% यूज कर पाया बिना किसी मेजर सेटबैक्स के, और इसी फाइट ने इस ऑलरेडी पॉपुलर शो को मेन स्ट्रीम में डाल दिया। फाइट में बहुत सारी अमेजिंग चीजें थी, बट मेन चीज थी इसके एनिमेशन जिसने इसे पूरे ट्विटर में ट्रेंड करा दिया। नंबर 9, डेथ ऑफ पोर्चुगल्स टी एस एंड व्हाइट बियर्ड वन पीस। गाइस वन पीस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे है जिसने हाल ही में 1000 एपिसोड पार किए हैं, बट एस और व्हाइट बियर्ड की डेथ अभी भी वन पीस की मोस्ट मेमोरेबल मूवमेंट है। वन पीस में फर्स्ट टाइम करंट टाइमलाइन में किसी की डेथ हुई थी और वो भी टू मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स एस एंड व्हाइट बियर्ड। लूफी मरीन फोर्ड में एस को बचाने के लिए गया था, बट आयरोनिकली लूफी को बचाने के लिए एस ने अपनी जान दे दी। इसके कुछ टाइम बाद ही व्हाइट बियर्ड की भी डेथ हुई जिसने पूरे रियल वर्ल्ड और वन पीस के वर्ल्ड को भी हिला के रख दिया। वन पीस नंबर 8, ईटिंग द पोटैटो चिप डेथ नोट। दिस इज द क्लोजेस्ट यू विल गेट। गाइस आज के टाइम में चाहे कोई एनिमे देखता हो या ना देखता हो, सबने डेथ नोट के बारे में जरूर सुना हुआ है, जिसका बहुत बड़ा कारण ये आइकॉनिक सीन है जिसके अभी भी मीम बनते रहते हैं। I'll take a potato chip and eat it. ये आइकॉनिक सीन जहां लाइट यागामी होमवर्क विद स्नैक्स के साथ साथ मास मर्डर कर रहा होता है सिर्फ इसलिए कि एल उस पे शक ना कर पाए। नंबर 7, रेम्स रिजेक्शन री जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। गाइस जब सुबारू अपने लोएस्ट पॉइंट पे था तो रेम ने ही सुबारू पे भरोसा किया और उसे हिम्मत दी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए। उसके साथ ही रेम ने कन्फेस भी किया, बट सुबारू ने एमिलिया को चुना जिसके मीम आज तक बनाए जाते हैं और बनाते भी जाएंगे। Fuck you! I love Amelia! What? Motherfucker, I'll kill you! इस आइकॉनिक सीन ने पूरे इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया, रेम फैंस एंड एमिलिया फैंस में, बट सीजन 2 में ना होने के बावजूद भी रेम एमिलिया से ज्यादा पॉपुलर है। नात्सुकी सुबारू नो मोनोगातारी यो। ज़ेरो करा हाजिमेरू। नंबर 6, गॉन वर्सेस पितो हंटर हंटर। वर्सेस बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फाइट टोटली वन साइडेड थी। गॉन फाइनली काइट की डेथ को एक्सेप्ट करता है और पितो को मारने के लिए लिटरली में अपनी पूरी जान लगा देता है। नेफो पितो जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है हंटर हंटर में, गॉन के सिर्फ एक पंच से हार जाता है। हाँ पितो लड़का था। ये मूवमेंट हंटर हंटर एनिमे का वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट माना जाता है।
Number 5. Ash wins the Alola League. Pokemon. You won. Congratulations, champion. Thanks, Gladion. Great battle. Finally, Ash आखिरकार Pokemon Master बनी गया और उसे लगे सिर्फ 20 साल. Guys, Pokemon हम सबका childhood रहा है और हम स्टार्टिंग से ऐश को हारते हुए देखते हुए आ रहे हैं। ऐश का हारना इतना कॉमन हो गया था जैसे ब्रॉक का हर एपिसोड रिजेक्ट होना। बट फाइनली ऐश अलोला लीग जीत जाता है और फर्स्ट टाइम चैंपियन बनता है। नंबर 4, नारुतो एंड सास्के वर्सेस मोमोशिकी, बोरुतो, नारुतो नेक्स्ट जनरेशंस। गाइस, नारुतो में काफी सारे अमेजिंग मोमेंट्स है बट काफी टाइम बाद हमें इस डुओ को एक साथ लड़ते हुए देखने को मिला। अब सेकेंडरी कैरेक्टर होने के बावजूद भी नारुतो और सास्के ने सबको याद दिलाया कि नेक्स्ट जनरेशन किसकी वजह से बनी है। और विलन भी कोई नॉर्मल नहीं था। मोमोशिकी नारुतो वर्ल्ड में जस्ट गॉड से नीचे है जिसने सारे कागेस को इजिली हरा दिया था। इस एपिक फाइट में सब कुछ था, अमेजिंग हैंड टू हैंड कॉम्बैट, फ्लूइड एनिमेशन और परफेक्ट कोरियोग्राफी। नंबर 3, कॉलोसल एंड आर्मर टाइटन रिवील, अटैक ऑन टाइटन। गाइस, कहते हैं ना, धोखा कभी भी दुश्मनों से नहीं मिलता। अटैक ऑन टाइटन में काफी सारे एपिक मूवमेंट्स रहे हैं बट ये वो मूवमेंट था जिसने सही मायनों में एओटी की स्टोरी स्टार्ट करी। राइनर का सीधे अपनी और बेटोल की आइडेंटिटी रिवील करना टोटली अनएक्सपेक्टेड था, जो उसकी अनस्टेबल मेंटल हेल्थ को भी बताता है। और गाइस, जो इसमें ओएसटी यूज किया गया है, वोगल एम काफिक वर्जन 2, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ओएसटी है ऑफ ऑल टाइम। नंबर 2, तांचिरो वर्सेस रुई, डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर एपिसोड 19 सबसे पॉपुलर एपिसोड है इस सीरीज का। यही वो मूवमेंट था जिसने इस सीरीज को मेनस्ट्रीम में डाल दिया और हर जगह नंबर 1 पे ट्रेंड करा दिया। तांजिरो ने फर्स्ट टाइम सन ब्रीदिंग टेक्निक यूज करी और नेस्को की मदद से लोअर मून को हराया। जो लोग एनिमेशन पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, उनको भी नोटिस हुआ कि इस मूवमेंट के एनिमेशन काफी स्पेशल है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नंबर 1, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ड्रैगन बॉल सुपर। गाइस, गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाना ऐसा था जैसे गोकू का पहली बार सुपर सैयन बनना। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने पूरी दुनिया और सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हिला के रख दिया। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी फॉर्म है जिसको गॉड्स भी काफी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, बट गोकू एक मॉर्टल होने के बावजूद भी ये फॉर्म अचीव कर पाया, जिसकी मदद से वो फाइनली जिरेन को हरा सका। इस फॉर्म ने सारे गॉड्स और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।